जाली डॉक्टर्स आ गए, महकमा सेहत ने खबरदार किया। जाली डॉक्टर गाउन पहनकर स्टेथोस्कोप लगाकर फिरते हैं, मरीजों को निजी हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर करते हैं। महकमा सेहत प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अस्पतालों में डॉक्टर और दीगर अमले के लिए कार्ड पहनना लाजिम करार। गर्मा में सरकारी स्कूलों के औकातेकार तब्दील, सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल 7:45 पर खुलेंगे, डबल शिफ्ट वाले स्कूलों का आगाज 7 बजे होगा। नए औकातेकार का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सीईओ प्रोफेसर अख्तर ने मरासला जारी कर दिया। नवाज शरीफ का आज फिर चेकअप, 3 बजे शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना और मजीद टेस्ट होंगे। गुज़िश्ता अंजाइना तकलीफ के बायस डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया था। टेस्ट रिपोर्ट के मुआयने के बाद डॉक्टर्स इलाज का लाहे अमल तय करेंगे। के मुशीर नदीम अफजल चांद और मुआयना कमीशन के चेयरमैन अहमद यार हराज की अलीम खान से मुलाकात, सियासी और पार्टी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का कौमी मालियाती वसाइल की तकसीम कार पर तहफुजात का इजहार, आमदन और वसाइल से कम फंड दिए जाने का शिकवा, वसाइल की तकसीम में कराची की अहमियत को सामने रखने का मुतालबा, कौमी मालियाती कमीशन के अजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सब इंस्पेक्टर गालिब मार्किट हमाद भट्ट की करप्शन का मामला, करप्ट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की, तहकीकाती रिपोर्ट किधर है। महकमा एंटी करप्शन ने सीसीपीओ लाहौर को खत लिख दिया, हमाद भट्ट एसएसपी अतर वहीद के इंक्वायरी में कसूरवार पाए गए थे। साबिक डीआईजी जुनेद अरशद की मुश्किलात में मजीद इजाफा, एफआईए के बाद नैब का भी शिकंजा तैयार। अदालत ने नैब को मुलजिम की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। मुलजिम जुनेद अरशद पर आमदन से जायद असासा जात बनाने का इल्जाम, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट खरीदे, नैब हुकाम। वज़ीर-ए-आज़म की आमद, सफाई के निगरान कंपनी भी मुतहर्रिक, शहर को चमकाने के लिए इन एक्शन, सफाई सुथराई का काम तेज कर दिया। एमडी एलडब्ल्यूएमसी का मुख्तलिफ मकामात का दौरा, बोले शहर में 13,000 टन से ज्यादा कूड़ा उठा लिया गया, अवामी शिकायत को फौरी हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जीरो टॉलरेंस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। और जज्बा इंसान को कामयाबी के करीब लाता है, लाइफ कोच का काम लोगों को गाइडलाइन देना है। जब तक लोग मरने के करीब नहीं होते डॉक्टर के पास नहीं जाते। लाइफ कोच डॉक्टर शावाना मुफ्ती की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम जागो लाहौर।